चैप्टर फोर क्वाड्रिक क्वाड्रिक क्वेश्चन Yes, चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द वेरिएबल ऑफ एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है श्रेष्ठ कृष्णा, कृष्णा अनम्यूट कर लीजिए अपना बेटा फोन को। यस सर। ठीक है, अनम्यूट मत कीजिएगा। ठीक है okay. तो क्लास से लेके अनम्यूट ही रहेगा। इसमें वेरिएबल क्या आप लोग को दिख रहा है? यस सर। वेरिएबल यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में? वेरिएबल जीरो। हाँ वेरिएबल क्या है बेटा? जीरो। जीरो नहीं 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 सर, एक्स है, एक्स है, सॉरी सर, एक्स है, एक्स है, एक्स है। हाँ समझ लिया था, एक्स है वेरिएबल। हाँ कृष्णा जीरो है। नहीं सर, एक्स है सर। जीरो बोला, आप भी जीरो बोल दोगे? सर वर्मा सर थोड़ा सा भटक गया था, फिर सही बता दिया। हाँ हाँ हाँ, आप तो पहले आंसर ले लिया था आपका। ठीक है बच्चों, एक्स है वेरिएबल। एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? टू। और टू अगर है तो डिग्री क्या हुई? टू क्वाड्रिक। टू डिग्री भी टू हुआ। और अब फिर क्या बोलेंगे, कौन सा इक्वेशन हुआ ये? क्वाड्रिक इक्वेशन हुआ। क्वाड्रिक क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है तो ए बी सी यहाँ पे क्या है बच्चों? ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ए बी सी। ओके, ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स। चलिए और कभी भी ए इक्वल्स नॉट इक्वल जीरो। अगर ए इक्वल जीरो हो गया तब ये क्वाड्रिक नहीं रह जाएगा। नहीं, ये क्वाड्रिक नहीं रह जाएगा। समझ रहे बेटा? बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, कोई बात नहीं, बट ए जीरो नहीं हो सकता। ए इज नेवर इक्वल्स जीरो इन अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ओके तो आगे बढ़ेंगे, आप बात समझ गए? आप बताइए x है क्या है? x x है क्या है? x x वेरिएबल है, वेरिएबल उसकी कुछ वैल्यू होगी। हाँ होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी ना? यस सर होगी। तो देखिए जो x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू बच्चों, x की ऐसी वैल्यू जिसमें ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू बेटा जिसमें ये पूरा क्या हो, एक्स जीरो हो जाए, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे उसे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, एक्स के और एक्स के दो वैल्यू होंगे। हमने बताया था लीनियर में एक्स की एक वैल्यू आती थी, क्वाड्रिक में टू आएगी, क्यूबिक में थ्री आएगी, बाई क्वाड्रिक में फोर आएगी। यहाँ पे क्वाड्रिक है जो एक्स के टू वैल्यूज वैल्यूज जिनको क्या कर रहे हैं बच्चों, पूरी वैल्यू को जीरो कर देती है, वो होती है जीरोस। ठीक है चलिए
देखिए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, रूट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुक में दिख रहा है फर्स्ट पेज पे। यस सर। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो इज नॉट इक्वल टू टू इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल जीरो। कहा जो हाँ पहले पेज पे कहने का मतलब वही है, कहने का मतलब ये है कि मान लो क्या है कि x इक्वल अल्फा आ गया, सपोज करो x इक्वल अल्फा है, अल्फा क्या है रियल नंबर है, तो क्या होगा अल्फा का रख दो कुल करोगे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल जीरो आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा के? जब रूट की वैल्यू पुट कर देंगे तो। आगे देखते हैं आप लोग क्वेश्चन करोगे अच्छे समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन बताएंगे तो अच्छे समझ में आने लगेगा और अच्छे से, अभी नहीं है तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है कि घबरा जाए नहीं आ रहा समझ में। ओके यस सर। हाँ जी सर, जी सर। चलिए आगे देखते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हम बताते क्वेश्चन लेते हैं बताते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पेन नंबर क्या है सर? मैच नहीं करेगा हमारे में आपके पेज नंबर सर। 4A आप में जो चीज, हाँ 4A खोली बस, आप में जो 4A दिया हमने 10M दिया है। कृष्णा। यस सर। बुक रखे हो अपने पास? यस सर। कौन सी राइटर की? आर एस अग्रवाल, बी एस अग्रवाल, वी अग्रवाल। हाँ यही आपका भी चैप्टर यही होगा, 10A होगा। आप पेज नंबर 445 खोलो, 445। सर मेरा तो चौथा चैप्टर है। चौथा भी खोल लो फिर, आपका भी चौथा है तो चौथा खोल लो, यही मतलब क्वेश्चन यही मिलेगा मगर। देखो क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन बताइए सुरेश और कृष्णा। यस सर मैच कर रहा है सर। हाँ ठीक, क्वेश्चन मैच कर रहा है, मतलब है बस चैप्टर इधर उधर हुआ है, बाकी क्वेश्चन सब एक ही है। ठीक है तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक है। हाँ तो ऊपर क्या लिखा पढ़ो सुरेश, ऊपर क्या लिखा हुआ उसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है क्या लिखा पढ़ो क्वेश्चन में। Which of the following are quadratic equation in x? Question mark। हाँ इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है x के इन x में कौन सा है बताओ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, देख कर बताइए। है। सेकेंड वाला बताइए आप लोग, सेकेंड वाला आपके पास बुक है ही है तो बुक पास बताइए सेकेंड वाला है कि नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x माइनस रूट 3 इक्वल 0 है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हां बताइए है कि नहीं क्वाड्रेटिक है, है 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 क्यों नहीं है, है 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 है। थर्ड वाला दे, थर्ड वाला अरे तो बहुत इजी फ्री है भी है। यस सर। थर्ड वाला है कि नहीं, थर्ड वाला है, थर्ड वाला है सर, है सर। क्यों है बेटा कृष्णा बताइए क्यों है सर? हाँ क्यों, क्यों कहा आपने है, ऐसा कुछ दिखा होगा ना सर? मैं बताता हूँ, आप जब छोला भटूरा खाने जाते हो छोला भटूरा सर मैं बताऊँ कृष्णा? यस सर। छोला भटूरा खाने जाते हो अगर आपको पनीर आके दे, रुक जाओ फ्रेश पूछ रहे हो, कह रहे आपको छोले भटूरे खाने गए पनीर ला के देते आपको तो पहचान जाओगे ना नहीं खाने का नहीं है। यस सर। कुछ ऐसा होता होगा छोले भटूरे में पनीर बनता, मैं तो खाना ही नहीं गया। हाँ मैं तो घर पे खाता हूँ। हाँ तो घर पे खाते अच्छे लड़के हो ना, बताओ कृष्णा। सर मैं बताऊँ, क्योंकि ये इक्वल है जीरो के। नहीं ऐसा नहीं है, गलत है जवाब, जवाब गलत है, इक्वल नहीं है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं सर ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, इधर ऐसे ही आंसर है। बोलिए सर, इक्वल नहीं है क्या? इक्वल नहीं है सर, जीरो के सर। इक्वल लिखा तो है, जीरो के इक्वल सर, वो तो विदाउट सॉल्व करे लिखा है ना, जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है ये बता रहे हो? है सर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो कह रहे हो नहीं क्या जानते हो? तो मैं कह रहा हूँ ना है, है। जवाब स्विफ्ट का भी है, आंसर सही नहीं दे पाए, कृष्णा का भी है बेटा, क्योंकि इसकी डिग्री टू है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो सर पता ही था सर, वो तो मुझे भी पता था। बताया क्यों नहीं बता सकता हूँ, बताना चाहिए था ना। लीनियर होगा तो नहीं होगा, बाय क्वाड्रेटिक होगा तो आगे बताइए, फोर होंगे बताइए, इसमें कौन ऐसा जो नहीं है बताइए सर। अच्छा इसमें से कौन सा नहीं है? फोर वाला नहीं है, फाइव वाला नहीं है, फाइव वाला नहीं वाला है, भी है, है। फाइव वाला क्यों नहीं है बेटा? नहीं है, है, है सर, है। फाइव वाला नहीं, नहीं, सिक्स वाला नहीं है, सिक्स वाला कंफर्म नहीं है, सिक्स वाला नहीं है। यस सर, एक लोग बोले थप्पड़ मारेंगे सर, बताओ तो नहीं है, बताओ फाइव वाला है कि नहीं है? फाइव वाला है सर, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है फाइव वाला, है सर, है। नहीं है सर, नहीं है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है सर, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं है बेटा, कैसे हो सकता है? क्यों? ये इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर कहां से? फाइव वाला इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, क्योंकि कौन सी बात आ गई, क्या इंटीजर नहीं बेटा? सेवन सेवन अपॉन टू है ना, क्या है मैंने अपॉन टू जो एक्स है, हाँ एक्स है सर, कौन सा पूछ रहा है? फाइव वाला है ना, तो हाँ फाइव वाला था, यही फाइव वाला है ना बुक में, कुछ और है फाइव में? यस सर यही है, टू आपके बुक में तो फाइव वाला ही है ना बच्चों, तो बताइए ये है कि नहीं? बोले हाँ है ना, श्रेष्ठ बताएंगे पहले, श्रेष्ठ बोले कृष्णा शांत रहेंगे, श्रेष्ठ बताइए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं 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 हो सकता, नहीं है, क्यों नहीं बताइए पूरा जवाब, वो जवाब, हाँ जवाब सुनाता है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अरे भाई क्यों नहीं है, उसके जवाब दो हमको, इंग्लिश में बताओ। अच्छा सर क्या बता सकते, हाँ सर ये हो सकता है, एक्स टू माइनस थ्री एक्स माइनस रूट एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो इज नॉट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये हो सकता है। रीजन बताना है, रीजन ही तो बता रहा हूँ आपको, रीजन में क्या डिफरेंस है जो बता रहे हो, रीजन में क्या डिफरेंस है समझते हो बेटा आप? मैं हाँ सर, कृष्णा बताइए, आप शांत रहो, श्रेष्ठ शांत, कृष्णा बताइए है या नहीं बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन? कृष्णा यस सर, है कि नहीं है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन? सर है, नहीं है क्या? सर नहीं है, है नहीं है, नहीं है बेटा, क्यों नहीं है? अब इसको सॉल्व करेंगे सर, 1 upon 2 is not integer सर, इस वजह से नहीं है। यहाँ बेटा 1 upon 2 कहाँ है? 1 upon 2 कहाँ है भाई? हाँ श्रेष्ठ, 1 upon 2 कहाँ है? Yes. कहाँ है 1 upon 2? 1 upon 2 सबको नहीं दिख रहा बेटा, ऐसे बता रहा हूँ ना सर। जो आंसर देख के बताते हो ना आप लोग कॉपी कर करके, श्रेष्ठ पढ़ नहीं पाओ बेटा इस समय। हाँ सर, सर मैं नहीं बता रहा हूँ सर, विष्णु बात सुन लीजिए आप मेरी, आप चीटिंग कर लोगे तो हमको लगेगा आपको आता है,
जो काम की बात बतानी रहेगी मुझे, बस प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो विदाउट चीटिंग करे जितना आपको पता है उतना ही बताइए, आपको कुछ नहीं बताया तो कुछ मत बताइए, पर जितना पता है उतना बताइए चीटिंग करके कहीं से, क्योंकि हम देख नहीं रहे आपको यहाँ से ना आप, ठीक है? कोशिश यही करते बच्चों, जितना आपको आता रहे उतना ही बताइए, ओके? ओके सर। हाँ तो बताइए कहाँ है मेरा पंटू? सर आपने तो बताया था कह रहे हो, कहाँ पे वन और टू? एक्स है, एक्स के जस्ट ऊपर टू है। हाँ टू है भाई, मैं कह रहा हूँ ये टू वन पॉइंट टू कहाँ से बन गया? कृष्णा आपको कहीं दिख रहा है एक वन पॉइंट टू पूरे इक्वेशन में? कृष्णा यस सर, कहाँ चले गए खाना खाने? नहीं सर। तो 1.2 कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में आपको? नहीं सर। है ये है 1.2, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स अगर रूट में है तो बच्चों उसको हम लोग लिखा जा सकता है 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा एक्स की पावर 1/2, क्या बता रहे हो सुरेश? नहीं तुम अभी बता रहे थे थोड़ा क्या पड़ेगा, तो एक्स पावर 2 को 1/2 दिख रहा रहे थे। अरे कहीं देखा होगा थोड़ा बहुत, उसको समझ में आ नहीं रहा होगा क्या है एक्चुअल में, वही बता रहा था हमको ऐसे ऐसे करने को, हम सब समझते हैं। नहीं सर, नहीं सर, आप ही ने बताया सर, आपने बताया सर, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, पर सर क्या देखो क्योंकि ये क्या है होल नंबर नहीं है, पावर एक्स की को जब होल नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाता, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स की ऐसी पावर भी जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बताइए इसके बाद कौन सा ऐसा जो नहीं है, पांच के बाद ऐसा कोई है जो नहीं है? सर सेवन वाला सर नहीं है, सेवन वाला नहीं है। सिक्स वाला है क्या? सिक्स वाला नहीं है सर। नहीं है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिक्स वाला, सेवंथ वाला नहीं है। सिक्स वाला कहाँ से बेटा, इसकी पावर तो एक ही दिख रही है हमको, तो हमको भी सर। सिक्स वाला सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं नहीं नहीं कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है ना, इसमें तो पावर एक ही है इसकी, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? डिग्री 2 है ना। कहाँ डिग्री 2 है? अरे सर ने बताया था ना सर, एक्स इक्वल टू डिग्री उसकी 2 होगी ना फिर, तो कहाँ दिख रहा है 2? एक्स की मैक्सिमम पावर 2 कहाँ दिख रहा है आपको? ये इक्वल है 2 के और इसकी डिग्री 2 है। किसकी? इसकी डिग्री 2 है। हाँ इसकी पावर जब 1 है तो डिग्री कैसे 2 हो गई? आपने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अरे भाई हमने भी लिखते आए हैं, इसको लिखते आए हैं ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रहता था, स्क्वायर रहता था, ठीक है? हम कहाँ दिख रहा है आपको? पावर 2 दिखती थी तो हम लोग बोलते थे कि हाँ इसकी डिग्री 2 है, पावर दिखती थी 2 ना, यहाँ पे कहीं दिख रहा है? तो फिर क्या मतलब इसका, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यस सर। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं है, कैसे हो सकता सर, आपने सही बताया है। अरे सर अब कैसे हो गया, अब देखो कैसे होगा। यस अभी हम आपको दिखा देते कैसे है, हमको रीजन भी चाहिए। आप लोग अगर बोलते हो है तो क्यों है हमको दो बताओ, अगर नहीं है अब बताओ क्यों नहीं बताओ, तो अगर आपने गलत बताया तो मैं आंसर सही बताऊंगा, उसका रीजन भी दूंगा, ठीक है? देखो बेटा एलसीएम लेंगे, इसके अकाउंट में 1 है, इसके अकाउंट में x है, 1 और x का एलसीएम x, ठीक है? 1 से इसमें डिवाइड करेंगे x टाइम जाएगा, 1 से किसी में डिवाइड करते तो वही नंबर आता है, तो 1 में x स्क्वायर के x बार टाइम जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर 2x नहीं सब पर पड़ेगा, ये x स्क्वायर होगा। यस सर यहाँ पर x x कैंसिल 1 टाइम गया, x x कैंसिल 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई 6 हुआ इक्वल्स 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स यहाँ पे है एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल थ्री एक्स, समझ में आ रहा है? यस सर। थ्री एक्स उधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल जीरो, बन गया कि नहीं बन गया क्वाड्रेटिक? यही तो था, यही बना है, यही चीज यहाँ पे ये बना है सर। भाई ये कुछ नया जोड़े घटाए क्या इसमें सर? नया ऐड तो किए नहीं है। हाँ बताइए सर। हाँ बताइए सर, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल, हमने क्या कहा था कि x माइनस सिक्स अपॉन एक्स इक्वल थ्री, क्या ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक? तो ये सॉल्वर इस सॉल्विंग में नहीं लिखा हुआ था, ये ऐसा लिखा हुआ था जो अनसॉल्व है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या इसके अपॉन में वन है, इसके अपॉन में x है, उनका एलसीएम लेते हैं, x होता है, ठीक है। अब क्या काम होता है, फर्स्ट डिनोमिनेटर से, फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है पहले, या तो वन था, वन से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर में वही नंबर आ जाएगा, तो x में करोगे तो x ही आएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर में, x into x, x square, minus जो सिंबल लगाओ लगाओगे, second denominator divide किया तो x divide by dx, x divide by dx equals one, किसी नंबर में किसी नंबर का divide one होता है, one time one से multiply six one जा six equals three, अब मैंने cross multiplication किया यहाँ पे, cross multiply किया x का three में हो गया, three x हो गई है, x का minus six equals three x उधर ले आया, ये बन गया, answer हो जाएगा yes। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। एनी डाउट? नो सर। अब बताइए कौन सा नंबर है इसके अलावा, कौन नंबर है जो नहीं है क्वाड्रेटिक? जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा दिख जाए, कभी कभी आपको खोजना पड़ता है कि हाँ क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ठीक है? ठीक है, कभी कभी घर में खाना सिंपली सामने रख रखता है, कभी कभी खोजना पड़ता है खाना कहाँ रखा है घर में आज, है कि नहीं? सर यस सर, सही बात। सर सेवेंथ वाला। हाँ तो बताइए आगे, बताइए सर। सेवेंथ वाला, सेवेंथ नंबर क्या है बताना है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, सेवन नंबर सॉल्व कीजिए, दोनों लोग कॉपी सॉल्व कीजिए जल्दी से। सही है, करना भी चालू कर दिया। सॉल्व को बताइए क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं हुआ, टाइम मत लगाइएगा करने में, फोन कीजिए। सर। हाँ सर, मेरा नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं कृष्णा बेटा। सर पर आप लोग सच बोलिए और चीटिंग मत कीजिए, कोई दिक्कत है बताएंगे। बोलिए क्या बात है सुरेश, भी बोल लेते आप पर। सर यहाँ मेरा x3 आया है, माइनस x2 माइनस 20 आया, तो पता नहीं कहाँ गलती हो गई। कृष्णा भाग गया सर, आप मुझे समझा दीजिए सर, उसको छोड़िए, गलत समझा दीजिए। ठीक है ठीक है। कृष्णा आपको आया? कृष्णा चला गया, कृष्णा चला गया सर।
समझ लीजिए आप, चलिए देखिए नहीं है वो, कैसे नहीं है देखिए, वाटिक क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्यों नहीं देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको ना, कैसे सॉल्व होगा, x प्लस क्या लिखा बताइए, x प्लस टू अपॉन x, टू x इक्वल x अपॉन x, हाँ सर x, ये हुआ x पावर टू, इसका इसका एलसीएम लीजिए, वन और x का x हुआ, हाँ वन से x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा x का पावर टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x पावर थ्री हो जाएगा ना, समझ में आ रहा ना, x पावर थ्री हो गया, इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्या मैक्सिमम पावर टू होनी चाहिए, इससे उसके आगे पहुंच गया, ठीक है, समझ गए श्रेष्ठ, एनी प्रॉब्लम, नो सर, तो आप कीजिएगा इसको कंप्लीट वन नंबर, ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है, बाकी का आप आगे देखें कल नेक्स्ट टाइम, ठीक है।